क्या गूगल पाकिस्तान में अपनी सारी सर्विस बंद कर रहा है? क्या 1 दिसंबर से प्ले स्टोर नहीं चलेगा? क्या आप हमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसी ऐप्स के पैसे देने होंगे? ये सारी वो बातें हैं जिन्होंने टीवी और सोशल मीडिया पर एक सनसनी फैलाई हुई है। तो भाइयों और बहनों, ऐसा कुछ नहीं है, फिक्र न करें, गूगल सर्विस बंद नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम। असल में हम जैसे आम आदमियों का पाला सिर्फ प्ले स्टोर की फ्री सर्विसेज पड़ता है, यानी प्ले स्टोर से व्हाट्सएप डाउनलोड कर लिया, फेसबुक डाउनलोड कर ली, कोई फ्री गेम डाउनलोड कर ली। इन सारे कामों के लिए हम अपनी जेब से प्ले स्टोर को कोई पैसे नहीं देते हैं, लेकिन प्ले स्टोर की कुछ ऐसे ऐप्स और सर्विसेज भी हैं जिसके लिए वो पैसे चार्ज करते हैं। ऐसी ऐप्स को खरीदने के लिए एक पाकिस्तान में बैठा आदमी कैसे पेमेंट करे? इसका एक तरीका डायरेक्ट कॉरियर बिलिंग DCB का था। इस तरीके में आप अपनी सिम से मौजूद बैलेंस को खर्च करके वो ऐप खरीद सकते हैं, यानी अगर किसी ऐप की कीमत 100 रुपये है तो DCB के ज़रिए आपके मोबाइल बैलेंस से 100 रुपये कट जाते हैं और आपको ऐप मिल जाती है। इसी तरह जो आपकी टेली कमीशन थी, यानी जोम, जैस, टेलीनॉर, यूफोन वगैरह, ये DCB की मद में एक खास अरसे के बाद इस ऐप कंपनी को DCB के पैसे इकट्ठे करके देते हैं। एक आम आदमी तो इन पेड ऐप्स को इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बड़े काम की ऐप्स हैं, जैसा कि कुछ फ्रीलांसर्स के लिए। और ये DCB सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पर इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि अमेजोन, नेटफ्लिक्स और मेटा जैसी कंपनियां भी इसे इस सर्विस के ज़रिए पाकिस्तानियों से पैसे लेकर इन्हें अपनी पेड सर्विस देती हैं। जैसा कि अगर आपने फेसबुक पर अपने प्रोडक्ट की एड चलानी है या फिर यूट्यूब पर अपने प्रोडक्ट की एड चलानी है, तो आप इन्हें DCB के ज़रिए फेसबुक देकर ये काम फीस जमा करवा कर करवा सकते हैं। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ने देखा कि DCB के ज़रिए बहुत सारे पैसे, डॉलर, मुल्क से बाहर इन इंटरनेशनल कंपनियों को जा रहे हैं, तो स्टेट बैंक ने DCB पर पाबंदी लगा दी, जिससे ये हुआ कि DCB के ज़रिए जो पैसे इन कंपनियों को जाने थे वो पैसे फंस गए, जो कि तकरीबन $34 मिलियन हैं। तो अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि एक आम आदमी जिसने कभी प्ले स्टोर से कोई पेड सर्विस नहीं ली, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका फेसबुक, व्हाट्सएप आप इसी तरह इस्तेमाल करते रहेंगे। आपको ये डाउनलोड करने के लिए कोई भी पैसे नहीं अदा करने होंगे और जितनी बार चाहो प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस और ऑल के नोटिफिकेशन पर ज़रूर प्रेस करना है। हमारी वीडियो मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव होती है, अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना है। कोई पैसे नहीं लगेगा, लेकिन जो पेड ऐप्स हैं इनकी फ़ीस की अदायगी में मसला आएगा, यानी इनकी फ़ीस DCB के ज़रिए नहीं हो सकेगी, जो कि एक बहुत आसान तरीका था। इसके बजाय अब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना होगा, जो हर किसी के लिए आसान नहीं, और इस तरह एहसास बैंकिंग डाटा की चोरी होने का खदशा भी बढ़ जाएगा। साथ ही अगर हम ये अदायगी टाइम पर नहीं करते तो गूगल अपनी पेड सर्विस बंद कर सकता है। सिर्फ पेड, इससे हमारी रोज़मर्रा ऐप्स को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक और मसला ये होगा कि इन कंपनियों के सामने हमारे मुल्क की साख खराब होगी। गूगल का एक वफद 11 दिसंबर को पाकिस्तान आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल पाकिस्तान में अपना दफ्तर खोलने वाला है। इसी तरह मीटा, टिकटॉक वगैरह भी पाकिस्तान में अपना सेटअप करने की खबरें हैं। इसके अलावा फ्रीलांसर मुल्क में काफ़ी डॉलर लेकर आते हैं, इनका मुतासर होने का भी खतरा है। इसीलिए हमारी टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने वजारत खजाना से रजू किया है और इनको मामले की एहसासियत बताई है। बाकी आपकी तरफ से इस बात में किसी मुस्बत इजाफे को खुशामदीद। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।